आज देश में बहुत बड़ा हादसा हो रहा है, लेकिन हम बेखबर हैं। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर खतरा है। हम टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आज देश में अभूतपूर्व सूखा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार मानसून की बारिश औसत से 14% कम रही, यानी कि 100 सेंटीमीटर की बजाय सिर्फ 86। दूसरा साल है लगातार, पिछली बार भी ये हुआ 12% कम, इस बार भी 14% कम। पिछले 100 साल में सिर्फ तीसरी बार ऐसी दुर्घटना हो रही है कि 2 साल लगातार सूखा पड़ रहा है। देश के लेवल पे 14% लग सकता है, लेकिन अलग अलग इलाकों को देखें तो देश की बहुत बड़ी पट्टी है जहां सामान्य से एक तिहाई, एक चौथाई घट गया है, आधे से भी ज़्यादा घट गया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश का एक इलाका, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका, गुजरात, पूरे इलाके में बहुत बड़ा संकट है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि लोगों के पास अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं है। मतलब ये होगा कि आज से एक महीने बाद जब फसल नहीं निकलेगी तो आढ़ती को कर्जा वापस करने के लिए पैसा नहीं है। मतलब ये होगा कि बच्चे को, खासतौर पे बच्ची को स्कूल में भेजने के लिए पैसा नहीं बचेगा। हमारी आंख के सामने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी सिकुड़ती जा रही है, हमें पता नहीं लग रहा है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? सरकार को जगाना होगा। सरकार का फर्ज बनता है ऐसे में, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, कि किसान के साथ खड़े हों, जितना नुकसान हो रहा है उतना मुआवजा दें, मुआवजे की पूरी व्यवस्था को बदलें। लेकिन ये बात सिर्फ सरकारों की नहीं है, मुझे आपको भी खड़ा होना होगा। पूरे देश को इस संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ा होना होगा। जो गौशाला चलाएं वो गौशाला चलाएं, जानवरों के लिए चारा भिजवाएं, कंपनियां किसी तरह से किसान की मदद कर सकें, जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाएं, जाके कम से कम देखें क्या हो रहा है हमारे गांव में। इतना बड़ा हादसा पूरे देश में हो रहा है, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, लेकिन आपका और मेरा दिल तो नहीं सूख गया? हमारी आंख में तो पानी है। इस प्रयास से आप जुड़ेंगे। जय किसान आंदोलन पूरे देश में आत्मा पे दस्तक देने का प्रयास कर रहा है। जय किसान आंदोलन की मदद से हम चाहते हैं कि पूरा देश आज किसान के साथ खड़ा हो। आप इसमें जुड़िए, हमें मिस्ड कॉल दीजिए 011-4666-6662। आप ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी से संपर्क कर सकते हैं। अपने संकट की घड़ी में किसान को ये महसूस ना हो कि वो अकेला था, आप उसके साथ। Thank you.